तो गाइज आपको क्या दिक्कत हो रही है कि मैं कौन सा कॉलेज चूज करूँ जैक दिल्ली काउंसलिंग में? फॉर एग्जाम्पल मैं IIIT दिल्ली लूँ या फिर DTU लूँ फिर या फिर NSUT लूँ, तो इनमें से जो कौन सा कॉलेज लेना है ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा कॉलेज आप चूज करें, किस बेस पे चूज करें। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो भी चैनल पे नया हो, हर बार बोलता हूँ यार, वो रेड कलर का बटन दबा के जाना और लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन छूटी तो आप गलत डिसीजन लेने के चक्कर में बहुत पछताओगे अपने पूरे 4 साल, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और यार वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज जैसे कि मेरे को, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो यहाँ पे मैंने जैक दिल्ली का ही पोस्टर लिया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें पता है कि भाई NSUT में इतने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, मतलब टोटल ये ब्रांचेस हैं, और आपकी जैक दिल्ली में IIIT दिल्ली में ये ब्रांचेस हैं, NSUT में ये ब्रांचेस है, और DSU में ये ब्रांचेस है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज जो पार्टिसिपेट हो रही है जैक दिल्ली के अंदर वो 5 है, जिसमें से आपका है IIIT दिल्ली, DTU, NSUT, IGDTU। NSUT के अंदर भी 4-2 अलग कैंपस है, वेस्ट कैंपस और ईस्ट कैंपस, और लास्ट में आता है DSU। तो टोटल 5 कैंपस है, और NSUT के अंदर 2 कॉलेज और मिला दो तो टोटल 7 कॉलेज हो गए। लेकिन इनमें से जो 4 ही कॉलेज है सबसे बेस्ट हैं, और उनमें से एक कॉलेज लड़कियों के लिए IGDTU के लिए, तो वो हटा देते हैं। मेनली जो फोकस हम टोटल लड़का और लड़की को देख के चले वो हमारा NSUT, IGDTU और IIIT दिल्ली। अब बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं यार मैं कौन सा कॉलेज लूँ, IIIIT दिल्ली लूँ, NSUT लूँ या फिर DTU लूँ, ये मेरे घर के पास है तो मैं ये ले लेता हूँ, तो ऐसे जो आप सोच रहे हो ये बहुत गलत है भाई। ऐसे कभी मत सोचना कि भाई मेरे घर के पास है तो मैं ये ले लेता हूँ, कभी नहीं। इस केस में आप बहुत ज़्यादा दिक्कत कर पाओगे और बहुत दिक्कतें आएंगी आगे जाकर के। तो मैं आपको वो फैक्ट बताऊंगा कि कैसे आपको एडमिशन कौन से कॉलेज में लेना है, किस फेज पे लेना है, किस तरीके से लेना है। तो मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूँ, सिंपल, आप इजी आराम से देखना। तो यार सबसे पहला जो मेरा कॉलेज है वो आपका है DTU, दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे DTU आपको बड़े बड़े अक्षरों में। तो DTU के अंदर टोटल जो ब्रांचेस हैं वो है 14 ब्रांच, टोटल 14 ब्रांचेस हैं DTU के अंदर, जिसमें से जो कोर ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस की वो 4 है, 4 आपकी कोर ब्रांचेस है जो कंप्यूटर साइंस के। उसके अलावा जो 14 में से 4 चला गया, आपकी 10 बची वो नॉन कोर है, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल, EC वगैरह वगैरह मैकेनिकल आते हैं, नॉन कोर ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस वो हो गए जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। तो आप सबको पता है कि सब बच्चे जो चाहते हैं वो यार वो मेरे मुझे CS चाहिए, हर कॉलेज में मुझे CS चाहिए। तो जिस बच्चे को CS नहीं मिल पाते किसी कारणवश, या फिर वो नहीं उतना एलिजिबल है उसके लिए, तो वो एक EC ले लेता है अच्छे कॉलेज में, या फिर इलेक्ट्रिकल ले लेता है अच्छे कॉलेज में। तो वो एक माइंडसेट के थ्रू लेता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल लेनी है, लेकिन मैं पढ़ूंगा DSA, मैं DSA एल्गोरिथम पढ़ता रहूंगा, और मैं सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए भी बैठूंगा। तभी उसने NSUT में एडमिशन लिया है, इसीलिए फिर वो IIIT दिल्ली में आया, इसीलिए फिर वो DTU में जा रहा है, क्योंकि कंपनी आएंगी वो बैठेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो चाहे EC का हो। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना भाई, वो बच्चा EC का है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल, लेकिन बैठ वो ब्रांच कोर वालों के साथ रहा है, कोर वालों के साथ प्लेसमेंट में बैठ रहा है, क्योंकि उसको DSA आ रही है और उसको वो सब आती है। और कंपनी ने ऐसा तो बोला नहीं है कि भाई ये ब्रांच वाला नहीं बैठ सकता, उनको तो CGP से मतलब है, उनको तो टेक्निकल राउंड जो निकाले उनसे मतलब है, चाहे उसको चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। तो इस केस में आपके DTU के अंदर जो 14 ब्रांचेस हैं, और अगर मैं एक एवरेज मान के चलूँ, हर ईयर 80 बच्चे हर एक ब्रांच में जा रहे हैं, तो टोटल 1200 बच्चे हो गए पर ईयर। एक बैच में आपके 1200 बच्चे आ रहे हैं, और जो कंपनियां हैं प्लेसमेंट के समय जो कंपनियां आ रही है वो टोटल 150 कंपनियां टोटल आ रही हैं आपकी प्लेसमेंट्स में, आपके DTU के अंदर, और 1200 बच्चे हैं, 1200 बच्चों पे टोटल 150 कंपनियां हैं इस कॉलेज में। तो कंपटीशन, फॉर एग्जांपल कंपटीशन कितना होगा, यार देखो 1200 बच्चे हैं उसमें 150, इसमें से 4 आपके कोर ब्रांचेस हैं और बाकी सब आपके नॉन कोर ब्रांचेस हैं। तो लेकिन नॉन कोर वाले बच्चे भी DSA पढ़ रहे होंगे और वो भी आपके साथ कम्पीट करेंगे। तो CS वाले जो बच्चे सुन रहे हैं, वो CS जो ले रहे हैं, CS में हैं, उनके लिए कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई वो भी DSA करके वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसलिए वो DSA कर रहे हैं, क्योंकि उनको भाई बेसिक उसके पास इलेक्ट्रिकल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में उसका इंटरेस्ट नहीं है। और आप सबको पता है कि जितने बच्चे हैं वो सबके सब CS में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो उसका फ्यूचर अच्छा है, इस वजह से CS में जाना चाहते हैं। तो देख रहे हो यार 14 ब्रांचेस हैं, और आपके 4 जो कोर बच्चे हैं, 4 ब्रांचेस जो 4 कोर के बच्चे होंगे, मतलब आपके अगर 80 बच्चे हैं तो 80 इंटू फोर जो है 320 बच्चे हैं, वो उन बच्चों को कंपीट करना पड़ेगा बाकी के जो 800 1200 में से बच्चे
800, 320 उन बच्चों के साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है, उन बच्चों के साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा, उन बच्चों को 320 बच्चों को जो DTU के हैं, तो उनके लिए कॉम्पिटिशन इंक्रीज, कॉम्पिटिशन इंक्रीज प्लेसमेंट के समय, है ना, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया आपके लिए जो D2 के बच्चे हैं जो कोर वाले, तो कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया यार, तो आपके चांसेस घट गए, चांसेस घट गए, चांस ऑफ प्लेसमेंट डिक्रीज, है ना, चांस प्लेसमेंट के डिक्रीज हो गए आपके, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं और आपको कंपटीशन देना है आपको इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को, बेशक वो यार इलेक्ट्रिकल में लेकिन वो DSA में बहुत अच्छा हो यार, फिर उसमें कंप्यूटर बहुत अच्छे से आती हो, आई मीन बहुत अच्छा कोडर हो तो आपको कम्पीट कर देगा और वो आपकी जगह ले लेगा सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो ये एक फैक्ट हो गया पहला। अब बात करते हैं NSUT का, ठीक है, अब बात कर लेते हैं IIIT दिल्ली का, तो IIIT दिल्ली के अंदर अगर आपको स्क्रीन पे मेरी दिख रहा हो टोटल 7 ब्रांचेस है IIIT दिल्ली के अंदर, आपको दिख रहा हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा टोटल 7 ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ मैं बताता हूँ आपको 7 IIIT दिल्ली, ठीक है, IIIIT दिल्ली के अंदर 7 ब्रांचेस हैं, और मैं खुद IIIT दिल्ली से तो मुझे पता है कि एवरेज स्टूडेंट कितने हैं हर एक बैच में, हर एक ब्रांच के अंदर, तो यहाँ पे हर एक ब्रांच के अंदर आपके 60 to 70 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हर बैच में आते हैं हर साल वो 600 होते हैं अप्रॉक्स, और 600 बच्चों पे 150 कंपनियां हैं इस कॉलेज में, 600 बच्चों पे 150 कंपनियां, वहीं अगर DTU की बात करें तो वहाँ पे 1200 पे 150 कंपनियां थी, तो 600 बच्चे पूरे के पूरे कम्पीट हो गए, पूरे पूरे कम हो गए, और मुझे कम्पीट अब बहुत जो कॉम्पिटिशन है मेरा वो DTU के मुकाबले में आधा हो गया, मेरा कॉम्पिटिशन D2 के मुकाबले में आधा है, क्योंकि मेरे यहाँ कंपनियां उतनी ही हैं, बच्चे कम हैं, है ना, तो 150 कंपनियां हैं, 600 बच्चे हैं, और यहाँ पे सारी CS की ब्रांचेस है, और सारी CS की ब्रांचेस है, बस एक EC ही है, तो EC में मेरे 60 बच्चे हैं, फिर भी मैं उनके साथ कंपीट कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं है, 60 ही बच्चे हैं, वहीं DTU में 10 नॉन कोर ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर टोटल 800 बच्चे हैं, और 800 बच्चों का कॉम्पिटिशन मेरे 60 बच्चों के साथ कितना ज़्यादा है, मेरे चांसेस उनके मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा है प्लेसमेंट लेने के लिए, है ना, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि भाई 600 बच्चे हैं, नंबर ऑफ कंपनियां उतनी ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी प्लेसमेंट की, है ना, प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी, कंपटीशन कम, कंपटीशन मेरा कम हो गया, तो मेरे को अगर मैं चूज करूँ DTU IIIT दिल्ली में, तो भाई अभी तक से मैंने इतना समझा कि मेरे को IIIT दिल्ली में एडमिशन लेना चाहिए प्लेसमेंट के हिसाब से और कुछ सीखने के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं NSUT की, एक बार NSUT में नंबर ऑफ ब्रांचेस गिन लेते हैं, ठीक है, तो यार NSUT के अंदर ये जो ब्रांचेस टोटल 19 बताई इन्होंने, ठीक है, जिसके अंदर आपका मेन कैंपस भी है, ईस्ट कैंपस भी है और वेस्ट कैंपस भी है, लेकिन मुझे जितना पता है कि NSUT मेन कैंपस के अंर भी अप्रॉक्स 10 ब्रांचेस हैं, 10 से 11 ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो अगर एवरेज लेके चलें 10 ब्रांचेस भी, ठीक है, NSUT के अंदर एवरेज लेके चलते हैं 10 बच्चे, और मुझे पता है 10 ब्रांचेस के अंदर NSUT के, और सच बताऊं इससे ज्यादा ही होंगे 10 ब्रांचेस हैं NSUT मेन कैंपस के अंदर, मेन कैंपस के अंदर, और NSUT में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो टोटल आपके जो बच्चे हो गए, अगर हम मैं 80 के हिसाब से लेके चलूं तो 800 बच्चे हो गए, यहाँ पे 800 बच्चे हो गए, लेकिन यहाँ पे बच्चे ज्यादा हो सकते, कम नहीं होंगे डेफिनेटली, यहाँ पे 800 से लेके 1000 के बीच में होंगे, ठीक है, 800 से लेके 1000 के बीच में होंगे, देख रहा हूँ कि इनके लिए जो प्लेसमेंट है वो टोटल 150 कंपनी यहाँ पे भी आ रही है, 150 एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन 150 के अराउंड ही आती है, ज्यादा नहीं आती, 150 और 100 और 150 के बीच में ही कंपनी आती है NSUT के अंदर भी, तो 800 से लेके 1000 बच्चों पे भी 150 के अराउंड बच्चे कंपनी आते हैं, है ना, तो देख रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन यार मेरे हिसाब से भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि NSUT के अंदर जो मेन कोर की ब्रांचेस है, जो कोर की है वो भी 4 अप्रॉक्स है, जिसके अंदर आपका कंप्यूटेशन है, मैथमेटिक कंप्यूटेशन है, IT है और IT का एक ऑटोमेटिक पार्ट भी है, तो टोटल 4 कोर ब्रांचेस हैं NSUT के अंदर, बाकी के 6 ब्रांचेस या नॉन कोर ब्रांचेस, तो जो नॉन कोर ब्रांचेस के बच्चे होंगे वो भी कोर बच्चों को जो कम्पीट कर रहे होंगे प्लेसमेंट के समय कर रहे होंगे, डेफिनेटली करेंगे, तो और उनमें से कुछ ऐसे कोडर होंगे जो आपको डेफिनेटली पीछे कर सकते हैं प्लेसमेंट के समय और आप उनसे पीछे रह जाओगे, बेशक आपके पास कोर ब्रांचेस है, बेशक वो नॉन कोर के, लेकिन वो आपसे अच्छा जानते हैं और वो आपको प्लेसमेंट के समय आपको नीचे गिरा सकते हैं और अपनी जगह ले सकते हैं, तो प्लेसमेंट में कॉम्पिटिशन आपका इंक्रीज हो गया, कॉम्पिटिशन इंक्रीज, है ना,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेसमेंट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि बच्चे ज्यादा है, नंबर ऑफ कंपनियां उतनी आ रही है, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो बच्चे ज्यादा होंगे तो यार कंपटीशन आप भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, टेक्निकल राउंड में बच्चे ज्यादा बैठेंगे और सेलेक्ट भी बहुत कम होंगे। तो इतना पता चल गया कि यार बच्चे जितने ज्यादा होंगे और कंपनियां उतनी आ रही है तो मेरे लिए उतना ज्यादा हार्ड चांसेस है प्लेसमेंट लगने का, बच्चे जितने कम होंगे कंपनियां उतनी आ रही है तो मेरे लिए ज्यादा चांसेस होंगे प्लेसमेंट लगने का। ठीक है, अगर मैं अगर इनमें से डिफ्रेंशिएट करूं IIIT दिल्ली वर्सेस NSUT वर्सेस DTU प्लेसमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमें मेनली बैंडर प्लेसमेंट पे, तो हम सब जानते हैं तीनों की तीनों कॉलेज बेस्ट है, तीनों कॉलेज अच्छे हैं, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है, जो IIIT दिल्ली में वो NSUT में भी और DTU में भी वो सेम चीज है। जो IIIT दिल्ली में एक्स्ट्रा है वो रिसर्च का है, रिसर्च का, जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते वो डेफिनेटली IIIT दिल्ली में आए, लेकिन जो रिसर्च में नहीं भी जाना चाहते वो जो रिसर्च में नहीं भी जाना चाहते और प्लेसमेंट के लिए भी आ रहे हैं तो भी IIIT दिल्ली बेस्ट है, तो भी IIIT दिल्ली बेस्ट है, वहीं NSUT भी प्लेसमेंट में बेस्ट है और ये भी बेस्ट है ना, बेस्ट है। अब मैं बात करूं यहाँ पे कम बच्चे 600 हैं, यहाँ पे 1000 हैं, यहाँ पे 1200 हैं, और यहाँ पे 150 कंपनियां हैं, यहाँ पे भी 150 कंपनियां, यहाँ पे भी 150 कंपनियां। अब आप देख सकते हो कंपटीशन कहाँ पे ज्यादा है, तो मैं देख रहा हूँ 600 बच्चों पे 150 कंपनियां, यहाँ पे 600 बच्चों पे 150 कंपनियां, मेरे चांसेस प्लेसमेंट लगने के बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मेरे चांसेस इंक्रीज। वही यहाँ पे 1000 पे 150 कंपनियां, तो मेरे से 400 बच्चे ज्यादा है इस कॉलेज में, तो मुझे प्लेसमेंट में उन 400 बच्चों से भी कम्पीट करना पड़ेगा NSUT में, और वहीं आपका DTU में मेरे को 600 बच्चे, जो मेरे से 600 बच्चे एक्स्ट्रा है और मुझे उन 600 से भी कम्पीट करना पड़ेगा DTU के अंदर, कंपनियां उतनी है DTU में भी उतनी है, मुझे कम्पीट ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ यार मेरे प्लेसमेंट लगने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो IIIT दिल्ली में, उसके बाद NSUT में है, और उसके बाद DTU में है, DTU में। भाई देखो यार प्लेसमेंट ना आखिरी तक जो अच्छा बच्चा पढ़ रहा है ना उसकी लग ही जानी है, लगती है, अगर वो अच्छा पढ़ता है और उसको सब कुछ पता है तो अगर बेसिक नहीं लग रही हो लेकिन लास्ट एंड तक उसकी लग जाएगी, लेकिन उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कुछ बच्चों की नहीं भी लगती जो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन आपका ज्यादा, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी आपको कम्पीट करें। तो IIIT दिल्ली में यार एक तो सारे के सारे कोर बच्चे हैं, सारे के सारे कोर ब्रांचेस है, कंपनियां भी बहुत ज्यादा है, बच्चे भी कम है, तो यार प्लेसमेंट के चांसेस मेरे बढ़ गए। NSUT में यार बच्चे बहुत ज्यादा है, नॉन कोर वाले भी मुझसे ज्यादा कम्पीट करेंगे, मेरे प्लेसमेंट IIIT दिल्ली के मुकाबले में कम है, और DTU में थोड़े और प्लेसमेंट अप्रोक्स कम है। तो मेरे हिसाब से जो मैं बताऊं यार, मेरे हिसाब से आपको IIIT दिल्ली में सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए, अगर आपको कोर लेना हो चाहे ना लेना, अगर मिल रहा नहीं भी मिल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रायोरिटी पे सबसे पहले IIIT दिल्ली रखो, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट के चांसेस वहां पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद NSUT रखो, उसके बाद DTU रखो। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सोचते हैं यार भैया मेरे घर के पास NSUT है, मेरे घर के पास DTU तो मैं ले रहा हूँ, यार ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप बेशक आपके घर के पास NSUT है, बेशक आपके घर के पास DTU है, लेकिन ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आपका फ्यूचर इस पर डिपेंड है, अगर आपको ये गड़बड़ कर दोगे तो आपके फ्यूचर में बहुत दिक्कत आएगी और आपकी प्लेसमेंट ना लगती है तो बहुत बच्चों को दर्द होता है, ये मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कॉलेज में इस समय प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, बहुत ऐसे बच्चे जो प्लेसमेंट में बैठे हैं उनकी अभी तक से नहीं लग रही है। ठीक है, जब आपकी नहीं लगी तो आपको बहुत दुख होगा, बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत डिप्रेशन, तो इस चीज को ध्यान से सोचना। तो मेरी पहली प्रायोरिटी जो आप खुद भी चेक कर सकते हो, IIIT दिल्ली में आपको सबसे पहला भरना है, उसके बाद आपको DTU के NSUT के कोर ब्रांचेस भरने हैं, उसके बाद DTU के कोर ब्रांचेस भरने हैं, देन आपको IIIT दिल्ली का ECE भरना है, एंड देन NSUT का आपका ECE इलेक्ट्रिकल वगैरह, देन DTU का ECE इलेक्ट्रिकल वगैरह। बस अपने को ध्यान रखना है कि भाई मुझे सबसे ज्यादा मेरी प्रायोरिटी की मुझे कैसे भी IIIT दिल्ली में एडमिशन चाहिए, अगर नहीं मिल रहा देन NSUT देन DTU, और अगर इनमें से भी नहीं मिल रहा हो तो आपके पास भाई अब देसू बचा है ना, और दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका आता है वेस्ट कैंपस और ईस्ट कैंपस। और इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं यार, देसू जो कॉलेज है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, नो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, कोई कैंपस का साइज अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं IIIT दिल्ली के बगल में ही है तो मैं जानता हूँ कुछ भी बढ़िया नहीं है, बच्चे आते नहीं है, कोई भी नहीं आता, कुछ घर से पढ़ो तो जस्ट आपको डिग्री चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर आपको कॉलेज चाहिए कुछ भी भाई मुझे एडमिशन लेना है, अगर अच्छा कॉलेज नहीं भी मिल रहा है लेकिन मुझे चाहिए तो आप ले सकते हो, वहीं अगर आप चाहो तो ऐसे वेस्ट कैंपस ईस्ट कैंपस भी ले सकते हो। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि भैया ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस ना NSUT के अंदर आता है,
भाई वो NSUT के अंदर आता है, लेकिन NSUT नहीं है वो, इस चीज का ध्यान रखना। होता क्या है कि IP के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, वो IP के अंदर आते हैं, IP के अंदर आते हैं, लेकिन वो IP का जो मेन कॉलेज है वो गुरु गोविंद सिंह है। वो गुरु गोविंद सिंह की वजह से आते हैं, IP की वजह से नहीं आए, कि IP एक एफिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो CBSE वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराता है। CBSE एक वो है जो पेपर लेता है, तो CBSE से एफिलेटेड होते हैं सारे के सारे स्कूल, छोटे प्राइवेट स्कूल, छोटे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल। तो क्या वो बड़े छोटे का जो एक तम्बू में बना के हैं, तो यार वो अच्छा नहीं हो सकता, उसमें पढ़ाई नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर हो रहा है बस, IP के अंडर आ रहा है, लेकिन वो IP का जो बेस्ट कॉलेज है ना गुरु गोविंद सिंह, उसकी कंपीट नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां आ रही है वो गुरु गोविंद के लिए आ रही है। वो ये नहीं देख रही भाई IP के अंदर ये कॉलेज भी आया तो मैं सारी कंपनी जो गुरु गोविंद में आ रही है वो सब उसके अंदर भी जाएंगी, ऐसा कभी नहीं है, वो सिर्फ मेन कैंपस पे ही जाएंगी। वैसे ही मेन कैंपस की आपका है NSUT, उसके अंदर ही सारी कंपनियां जाएंगी अच्छी अच्छी। वेस्ट कैंपस के अंदर TCS वगैरह जो सबसे जो मास क्यूरेटर्स होते हैं ना, जो बच्चों को बस भर लेते हैं, वो कंपनियां ही ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस में आते हैं, क्योंकि ये पहले IP के कॉलेज हुआ करते थे, अब वो NSUT के अंदर आ गए। तो जस्ट NSUT अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, वो एक एफिलेटेड बनता जा रहा है। IP जैसे एक एफिलेटेड है, वैसे ही NSUT एक एफिलेटेड बनता जा रहा है, जिसके अंदर वो कॉलेज एक्वायर कर रहा है कि उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज उसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड और कंपनियां, नंबर ऑफ कंपनियां, वो मेन कैंपस में नहीं आएगी, क्योंकि उनका पता है कि हमारा मेन कैंपस ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वहां पे बच्चे ज्यादा है और वहां पे अच्छे बच्चे हैं। ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और इतना पॉपुलर नहीं है, इस वजह से कंपनियां वहां इतनी नहीं जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमारा मेन इस चीज में ये डिफरेंस होता है, मेन कैंपस और ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों अलग अलग कॉलेज है, जस्ट ये एफिलेटेड है NSUT से और कुछ नहीं, ठीक है। तो NSUT वेस्ट कैंपस जो लास्ट में किसी को ना मिल रहा हो, तो यार ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस उसके लिए है। एंड देन आपका IGDTU, वो IGDTU आपका DCU से पहले आता है, DTU के बाद IGDTU, जो जितनी भी गर्ल्स है ना जो एडमिशन लेना चाहती हैं, गर्ल्स अकेले पढ़ना चाहती है, गर्ल्स कॉलेज में जाना चाहती है, वो IGDTU उसके लिए बेस्ट है, अच्छी प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्योंकि वहाँ पे बच्चे कम है और कंपनियां भी, नंबर ऑफ कंपनियां भी अच्छी आती हैं और अच्छी अच्छी कंपनियां भी आती है IGDTU में और बच्चे भी कम है, तो लड़कियों के लिए IGDTU बेस्ट है, IGDTEW बेस्ट कॉलेज है, लड़कियों के लिए बेस्ट कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार लड़कों के लिए जो मैंने अभी बताया, लड़कों के जो डिफरेंस है वो है IIIT दिल्ली नंबर वन पे प्रायोरिटी रखनी है, ठीक है, उसके बाद NSUT, देन उसके बाद DTU। आपको ये नहीं देखना है कि भाई मेरे पास है, मेरे घर के पास है, मेरे घर के दूर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरी बात यार, अगर किसी बच्चे को काउंसलिंग भरने में दिक्कत आ रही है, ये तो मैंने बता दी, काउंसलिंग कैसे करनी है उसका भी एक इलाज है, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा काउंसलिंग, मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे काउंसलिंग में काउंसलिंग कैसे करते हैं जैक दिल्ली की, और वही आपको हेल्प जोसा की भी करेगा, जोसा की काउंसलिंग कैसे करते हैं वही वीडियो, आप उस वीडियो को पूरा देखें, आई बटन पे आपको वीडियो मिल रही होगी। और यार अभी के लिए बस इतना ही था, अगर मैं होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ गई होगी जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं, और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको कंपटीशन से बचना है। अगर आपको कंपटीशन ही चाहिए तो यार आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर लो, ऑन कैंपस में क्यों जा रहे, अच्छे कॉलेज में क्यों लेना, प्राइवेट में ले लो, है ना, तो आपको कंपटीशन से जितना हो सके बचना है, ठीक है, यही सबसे बेस्ट, अच्छे कॉलेज का यही फर्क होता है भाई, मुझे कंपटीशन से बचना है, मुझे चाहिए प्लेसमेंट, अच्छे कॉलेज में जाऊंगा तो प्लेसमेंट नंबर ऑफ कंपनियां ज्यादा होंगी, इसीलिए अच्छे कॉलेज में जा रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी भी कॉलेज में से बीटेक कर लेता, ये भी चीज है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, और होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और बता देना उन सबको कि भाई ऐसे ऐसे फॉर्म भर ले, और कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, और भी बहुत सारी जगह जैसे भी मुझे कमेंट, लिंक्डइन पे भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा, यार काउंसलिंग सीजन चल रहा है तो मैं आपकी हेल्प जितनी हो सके करने की कोशिश करूंगा। तो सी यू एंड देन बाय।